नमस्कार। राजस्थान में लोकसभा का चुनावी घमासान जारी है। पहले चरण के मतदान के बाद अब दूसरे चरण की बारी है। 26 अप्रैल को 13 लोकसभा सीटों पर मतदान है। कई सीटों पर तो कांटे की टक्कर मानी जा रही है और इसीलिए कांग्रेस भाजपा समेत सभी दलों के प्रत्याशी और साथ ही निर्दलीय प्रत्याशियों ने चुनाव प्रचार प्रसार में पूरा जोर लगाकर रख दिया है। लेकिन बीजेपी के राष्ट्रीय नेता जहां ताबड़तोड़ रैलियां जनसभाएं कर रहे हैं, वहीं कांग्रेस की कमान यहां गहलोत, पायलट और डोटासरा के भरोसे है। कांग्रेस और अन्य दलों के प्रत्याशियों के समर्थन में होने वाली चुनावी सभाओं में केंद्रीय नेता नदारद हैं। दूसरे चरण में अजमेर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, जालौर, बाड़मेर, भीलवाड़ा, झालावाड़, राजसमंद, टोंक, सवाई माधोपुर, जोधपुर, कोटा और पाली लोकसभा सीटों पर मतदान होना है। चुनाव आयोग की ओर से जारी कार्यक्रम के मुताबिक राजस्थान में 24 अप्रैल की शाम को 6 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा। ऐसे में प्रचार के लिए महज कल और परसों का ही समय बचा है। इसके बाद किसी भी प्रत्याशी के लिए या उसके प्रत्याशी के समर्थन में कोई चुनावी सभा या रोड शो नहीं किया जा सकेगा। प्रत्याशी और उनके समर्थक गलियों में घूमकर या घर घर जाकर समर्थन मांग सकते हैं, लेकिन वे चुनावी सभाएं, जुलूस या रैलियां नहीं निकाल सकेंगे। दूसरे चरण के प्रचार के लिए केवल कल और परसों बचे हैं, लेकिन कांग्रेस के किसी भी बड़े नेता की राजस्थान में चुनावी सभा या कोई रोड शो प्रस्तावित नहीं है। कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी की तबीयत खराब चल रही है और सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे दक्षिण भारत में व्यस्त बताए जा रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस के किसी भी राष्ट्रीय नेता की कोई रैली राजस्थान फिलहाल प्रस्तावित नहीं है। राजस्थान कांग्रेस में प्रचार का जिम्मा प्रदेश के नेताओं पर ही है। पूर्व सीएम अशोक गहलोत, पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा लगातार चुनावी सभाएं कर रहे हैं। एक एक दिन में तीन तीन चार चार क्षेत्रों में प्रचार करने पहुंच रहे हैं। हालांकि पायलट रैलियों, जनसभाओं में जमकर भीड़ जुटाने में ज़्यादा सफल हो रहे हैं। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी अपने अलग अंदाज में प्रचार कर रहे हैं। कहीं वे मारवाड़ी कहावतों में लोगों को उलझाने का प्रयास करते हैं, आकर्षित करते हैं, कहीं भीड़ में जाकर ठुमके लगाते हैं। उधर पूर्व सीएम अशोक गहलोत भी अपने राजनीतिक अनुभव के आधार पर दमखम लगाने की कोशिश कर रहे हैं और बीजेपी को कड़ी टक्कर देते नजर आ रहे हैं। ये तीनों नेता कहीं ना कहीं बीजेपी के मिशन 25 में रोड़ा बनते नजर आ रहे हैं। माना जा रहा है कि इस बार पहले चरण में मतदान कम होने से कांग्रेस को फायदा हुआ है। इसी के साथ पार्टी प्रदेश में 4 से 5 सीट जीतकर बीजेपी के मिशन को फेल कर सकती है। दूसरे चरण की 13 लोकसभा सीटों में से 3 में से 3-4 सीटें ऐसी हैं जहां बीजेपी कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर मानी जा रही है। इनमें टोंक, सवाई माधोपुर, कोटा, बाड़मेर और चित्तौड़गढ़ है, जहां कांग्रेस या कांग्रेस की ओर से समर्थित कैंडिडेट बीजेपी कैंडिडेट को कड़ी टक्कर दे रहा है। चित्तौड़गढ़ में बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी की साख पर बात आई हुई है। कांग्रेस के उदयलाल आंजना ने उनको कड़ी चुनौती दी है, कड़ा मुकाबला है। हालांकि चित्तौड़गढ़ में एक बार फिर से हिंदुत्व कार्ड खेलने के लिए यहां यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ को बुलाया गया है। निम्बाहेड़ा, भीम और राजसमंद में उनकी चुनावी सभाएं हुई है। इसी तरह कोटा में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला के सामने प्रहलाद कुंजल हैं, जो कड़ी चुनौती दे रहे हैं। टोंक, सवाई माधोपुर में 2 बार से लगातार सांसद सुखवीर सिंह जौनपुरिया के सामने कांग्रेस के हरीश मीणा हैं। यहाँ इस बार जौनपुरिया के सामने जातीय समीकरण आड़े आ सकता है। यहाँ पर कांग्रेस ने बीजेपी को आरक्षण विरोधी पार्टी बताकर इस बार खूब प्रचार किया है। बाड़मेर में तीनों ही कैंडिडेटों के बीच मुकाबला कांटे का है। इस त्रिकोणीय मुकाबले में कांग्रेस के उम्मीदवार भी मजबूत नजर आ रहे हैं, तो निर्दलीय रविंद्र सिंह भाटी भी, क्योंकि बीजेपी से सामने खड़े हैं केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी। लेकिन फिर भी दूसरे चरण के चुनाव प्रचार में भाजपा कांग्रेस से काफी आगे नजर आ रही है। बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत पार्टी के कई राष्ट्रीय नेता चुनावी सभाएं कर रहे हैं। पीएम मोदी ने पहले चरण के तहत 5 चुनावी सभाओं को संबोधित किया और एक रोड शो भी निकाला। रविवार 21 अप्रैल को उन्होंने जालौर और बांसवाड़ा लोकसभा क्षेत्र में चुनावी सभाओं को संबोधित किया। शनिवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जोधपुर में चुनावी सभाएं संबोधित की और उदयपुर में रोड शो निकाला। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी शनिवार को राजस्थान दौरे पर रहे। उन्होंने चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा और राजसमंद के भीम क्षेत्र में चुनावी सभाओं को संबोधित करने के साथ ही जोधपुर में रोड शो निकाला। शुक्रवार को भी केंद्रीय मंत्री अमित शाह राजस्थान दौरे पर थे और उन्होंने पाली में चुनावी सभा को संबोधित किया। हरियाणा के जो अभी नए नए सीएम बने हैं, नायब सिंह सैनी ने भी शुक्रवार को बाड़मेर और जोधपुर में चुनावी सभाओं को
संबोधित किया, यानी कि बीजेपी के स्टार प्रचारकों का जमावड़ा राजस्थान में लगा हुआ है। इस नज़रिए से देखें तो कांग्रेस पीछे नजर आ रही है, लेकिन उसकी वजह भी है। दरअसल प्रदेश के कांग्रेस नेताओं को भरोसा है कि पहले चरण में उन्हें कुछ सीटों का फायदा निश्चित तौर पर होगा, इसलिए दूसरे चरण पर उन्होंने ज़्यादा गंभीरता से ध्यान देना शुरू कर दिया है। वहीं दक्षिण में इंडिया गठबंधन का ज़्यादा जोर है, कांग्रेस और अन्य सहयोगी दलों का दक्षिण भारत में दबदबा रहा है। ऐसे में कांग्रेस नेताओं का मानना है कि दक्षिण में बीजेपी को रोकना ज़्यादा ज़रूरी है, और शायद इसीलिए जो केंद्रीय नेता हैं सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, खड़गे जैसे केंद्रीय नेता दक्षिण में डेरा डाले हुए हैं, अन्य सहयोगी दलों के नेता भी खासतौर से, जबकि राजस्थान की कमान गहलोत पायलट और डोटासरा के हाथ में है। अब ऐसे में ज़्यादा चुनौती अशोक गहलोत के लिए भी है, क्योंकि वे अपने बेटे वैभव गहलोत के जालौर सिरोही में प्रचार करने भी जा रहे हैं, दूसरी सीटों पर भी ध्यान दे रहे हैं। ऐसे में चुनौतियां दोनों ही ओर से मानी जा सकती है। केंद्रीय नेताओं की कमी कांग्रेस के प्रचार में खल रही है, लेकिन फिर भी तीनों नेताओं ने अपने अपने अंदाज और अनुभव से माहौल बनाया हुआ है। मौजूदा परिस्थितियों में बीजेपी जितनी मजबूत है उसके मुकाबले कांग्रेस के पास होने को तो कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर कांग्रेस बीजेपी के मिशन 25 को असफल भी कर पाती है तो बड़ी उपलब्धि होगी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, जनता दरबार के लिए जयपुर से विजय वर्मा।